नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद आप सभी लोगों का YouTube चैनल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हक ए बैक व्यू के बारे में जानेंगे। वो व्यू कहाँ यूज होती है और कैसे बनाई जाती है, वो सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। और साथ ही साथ वीडियो के एंड में हम एक डेवन हक व्यू है उसको भी बनाना सीखेंगे, वो कैसे बनाई जाती है और कितना एरिया में बनती है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हक ए बैक व्यूज आर बेसिकली ट्रैवलिंग व्यूज। तो ये व्यू क्या है, बेसिकली टॉवल में यूज़ की जाती हैं। दे आर कंस्ट्रक्टेड बाय अल्टरनेटिवली कॉम्बिंग अ फ्लोट विथ प्लेन व्यू। ये व्यू जो है फ्लोट और प्लेन व्यू को अल्टरनेटिवली यूज करके बनाई जाती हैं। जैसा कि आपको पिक में दिख रहा है कि यहाँ पे पहले मोटिफ बने हुए हैं, फिर यहाँ प्लेन व्यू बनी हुई है। इसी तरह से आगे रिपीट में यहाँ मोटिफ आएगा, फिर प्लेन व्यू। तो अल्टरनेटिवली ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, एक बार मोटिफ बनेगा, फिर एक बार प्लेन बनेगा, फिर मोटिफ, फिर प्लेन। तो इसलिए बोला गया है दे आर कंस्ट्रक्टेड बाई अल्टरनेटिवली कॉम्बिंग अ फ्लोट विथ प्लेन व्यू। आगे चलते हैं। दिस व्यूज आर सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग हैवी टेक्सचर्स। यह व्यू जो हैवी टेक्सचर बनाने के लिए सुटेबल है। दिस व्यू हैव टू पार्ट्स। फर्स्ट इज प्लेन व्यू विच प्रोवाइड्स मोर स्ट्रेंथ टू द फैब्रिक्स, एंड सेकेंड इज लॉन्ग फ्लोट विच प्रोवाइड्स मोर मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी टू द फैब्रिक। तो इस व्यू में क्या है, टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट है ये प्लेन व्यू। प्लेन व्यू में क्या है, ये इंटरलेसमेंट सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ये जो है फैब्रिक को ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड इज लॉन्ग फ्लोट विच प्रोवाइड मोर मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी टू द फैब्रिक। सेकेंड पार्ट में क्या है, यहाँ पे फ्लोट बने हुए हैं, तो फैब्रिक में जितने ज़्यादा फ्लोट होंगे मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी उतनी ज़्यादा होगी। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि सेकेंड पार्ट में फ्लोट बनाए गए हैं जो कि मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी को बढ़ाते हैं। दिस वीव इज़ यूज फॉर कॉटन एंड लिनन फैब्रिक्स, टॉवेल एंड ग्लॉस क्लॉथ। तो इस वीव को कॉटन एंड लिनन फैब्रिक्स में यूज करते हैं, टॉवेल में यूज करते हैं और ग्लॉस क्लॉथ में यूज करते हैं। तो चलिए अभी व्यू बना करके देखते हैं ये व्यू कैसे बनती है। यहाँ पे मैंने 10x10 का एरिया लिया हुआ है। यहाँ पे भी जो है हम जैसे हमने मॉकलेनो व्यू बनाई थी उसी तरह से सिमिलर प्रोसेस है। अगर आपने मॉकलेनो व्यू नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी। तो चलिए अभी देखते हैं। मॉकलेनो व्यू में क्या करते थे, पहले एरिया को लेते थे, उसको फोर पार्ट्स में डिवाइड करते थे, फिर फर्स्ट पार्ट में एक मोटिव बनाते थे और सेकेंड पार्ट में रिवर्स करते थे, थर्ड पार्ट में उसका रिवर्स, फोर्थ पार्ट में थर्ड का रिवर्स। तो थोड़ा सा प्रोसेस वैसा ही है। यहाँ पे भी इस ग्राफ को जो फोर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो ये मैंने डिवाइड कर दिया है। फिर यहाँ पे हम एक मोटिव बनाएंगे, फर्स्ट पार्ट में मोटिव बनाएंगे, सेकेंड पार्ट में प्लेन व्यू बनाएंगे, फिर थर्ड पार्ट में मोटिव बनाएंगे, फिर फोर्थ पार्ट में जो है प्लेन व्यू बनाएंगे। तो सबसे पहले ये मैंने एक बाहर एक एरिया लिया हुआ, यहाँ पे हम एक मोटिव बनाएंगे, फ्लोट बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा एक फ्लोट, ये हो गया दूसरा फ्लोट, ये तीसरा फ्लोट, ये चौथा फ्लोट। तो इस फ्लोट को हम ये वाले एरिया में बना देंगे, ये हो गया। अब सेम ये फ्लोट जो है ये थर्ड वाले एरिया में भी बना देंगे। अब आता है हमारा सेकेंड पार्ट में प्लेन व्यू बनाना है। तो प्लेन व्यू कैसे शुरू करेंगे, थोड़ा सा प्लेन व्यू जो है ये फर्स्ट वाले पार्ट से लिंक रहेगा। यहाँ पे क्या हमारा ये वार्प डाउन है, तो हम यहाँ से वार्प अप करेंगे, फिर यहाँ डाउन अप, फिर डाउन फिर अप, फिर इसी तरह से ये वाले पिक पे यहाँ पे वार्प अप है तो यहाँ पे हम डाउन रखेंगे, फिर यहाँ पे अप, डाउन अप, फिर इसी तरह से आगे भी भर लेंगे, ये हो गया। अब फोर्थ पार्ट में सेम यही भी हम यहाँ भी भर देंगे। तो ये हमारा हक ए बैक की व्यू बन गई है। अब इसका ड्राफ्ट कैसे बनाएंगे, वार्प की वर्किंग देख करके ड्राफ्ट भरते जाएंगे। तो फर्स्ट वार्प के लिए फर्स्ट हील यूज करेंगे, सेकेंड वार्प के लिए जो है सेकेंड हील यूज करेंगे क्योंकि ये जो है फर्स्ट से मैच नहीं कर रहा है, और फिर थर्ड वाला वार्प जो है फर्स्ट से मैच कर रहा है तो हम फर्स्ट वाली हील यूज करेंगे,
फोर्थ वाला जो है सेकंड से मैच कर रहा है, फिफ्थ वाला जो है फर्स्ट से मैच कर रहा है, और ये वाला जो है किसी से मैच नहीं कर रहा, तो नई हील्ड यूज करेंगे। ये भी किसी से मैच नहीं कर रहा है तो फिर से नई हील्ड यूज करेंगे। ये वाले वार्प की वर्किंग इससे मैच कर रही है तो ये वाली हील्ड यूज करेंगे। ये वाले वार्प की वर्किंग इससे मैच कर रही है तो ये वाली हील्ड यूज करेंगे। फिर से ये वाली वार्प की वर्किंग जो है इससे मैच कर रही है तो ये वाली हील्ड यूज करेंगे। तो ये हमारा ड्राफ्ट भी बन गया है। अब आते हैं पैक प्लान में। तो पैक प्लान कैसे बनेंगे, वीव और ड्राफ्ट की हेल्प से भर लेंगे। फर्स्ट वाले कॉलम में क्या भरेंगे, फर्स्ट वाले वार्प की वर्किंग भर देंगे। सेकेंड वाले कॉलम में सेकेंड वाले हील्ड की हेल्प से सेकेंड वाले वार्प की वर्किंग दिखाएंगे। फिर यहाँ पे थर्ड वाले कॉलम में थर्ड वाले हील्ड की हेल्प से ये वाले वार्प की वर्किंग दिखाएंगे। फिर फोर्थ वाले कॉलम में फोर्थ वाले हील्ड की हेल्प से ये वाले वार्प की वर्किंग दिखा देंगे। तो ये हमारा हक्का बैग व्यू बन गई है, ड्राफ्ट बन गया, पैक प्लान बन गया। अब चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमने 14x14 के एरिया में बनाया हुआ है। यहाँ पे भी हमने एक ग्राफ बनाया है। इसको सबसे पहले हम फोर पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर इसका एक बाहर एक मोटिव बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये कितने 9 मोटिव लिए हुए हैं, 9 मोटिव का एक फ्लोट बनाया हुआ है। इसको हम ये पार्ट में बनाएंगे, ये हो गया। फिर थर्ड पार्ट में इसको सेम ऐसे ही बना देंगे। फिर हम सेकेंड पार्ट में प्लेन व्यू बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे वार्प डाउन है तो यहाँ पे अप करेंगे, फिर यहाँ डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, अप। फिर यहाँ पे ये वार्प अप है तो यहाँ डाउन रखेंगे, अप डाउन, अप डाउन, अप। इसी तरह से आगे भी भर देंगे। ये हो गया। अब सेम यही वेव जो है फोर्थ पार्ट में भी भर देंगे। अब आ जाते हैं ड्राफ्ट पे। तो वार्प की वर्किंग देख करके ड्राफ्ट भर लेते हैं। अब आ जाते हैं पैक प्लान पे। तो हील्ड और वेव की हेल्प से हम पैक प्लान भर लेंगे। तो ये हमारी 14x14 के एरिया में हाका बैक व्यू बन गई है। अब मैंने बोला था कि वीडियो के एंड में मैं एक डेवन हक व्यू को भी बना करके दिखाऊंगा। देखते हैं डेवन हक व्यू कैसे बनती है। ये व्यू जो है एक सिंगल रिपीट में ही बनती है, सिर्फ और सिर्फ 10x6 के एरिया में ही बनेगी। इसका दूसरा कोई रिपीट नहीं होता है। तो इसमें 10x6 का एक ग्राफ ले लेना है, इसको भी सेम फोर पार्ट में डिवाइड कर लेना है। फिर इसमें भी जो है एक मोटिव बनाएंगे। ये हमने एरिया ले लिया है, इसमें फ्लोट बना दिया है। अब यही फ्लोट जो है हम इसमें भी फर्स्ट वाले पार्ट में बना देंगे, और सेम फ्लोट जो है थर्ड वाले पार्ट में बना देंगे, और फिर यहाँ पे हम प्लेन व्यू बनाएंगे। और ये सेम प्लेन व्यू जो है फोर्थ वाले पार्ट पर बना देंगे। अब इसी को देखते हुए हम ड्राफ्ट बना लेते हैं। ये हो गया। और ड्राफ्ट और वेव की हेल्प से हम पैक प्लान भर लेते हैं। ये हो गया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे आपको कौन सी वेव का वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और हो सके तो लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।